अलेक्जेंडर ने किया रोक्सेना पर सितम। भरी सभा के सामने अलेक्जेंडर ने रोक्सेना को सुनाया डांस करने का फरमान। जी हाँ, आज यूमियोर टीवी पहुंचा है उम्बेरगांव हिस्टोरिकल ड्रामा सीरियल पोरस के सेट पर, जहां आज ओलंपिया और रोक्सेना के बीच चल रही है गर्मा गर्म बहस। ओलंपिया रोक्सेना पर बना रही है अलेक्जेंडर के सुनाए फरमान को मानने का दबाव। जब तक उसका शाह उससे खुश रहे और उस पर मेहरबान रहे, वरना एक मुहाजिर को भी मलिका बनने में वक्त नहीं लगता। अलेक्जेंडर को तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे इनकार की सूरत उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं। लेकिन रोक्सेना अलेक्जेंडर के इस फरमान से है काफी नाराज। तभी तो वो आज कर रही है अपनी सास ओलंपिया से भी बहस। कहीं ऐसा ना कि तुम उस जश्न में शामिल ना हो और अलेक्जेंडर अपनी खुशी किसी और में। समझाना मेरा फर्ज, लेकिन समझना तुम्हारी। रॉक्सेन एक्चुअली ऑन स्क्रीन नाराज ही रहती है, उसको नाराजगी बड़ा पसंद है। और अभी वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि एक्चुअली अभी आपको देखना पड़ेगा कि रॉक्सेन क्यों नाराज़ है। अब उसको थोड़ा सा जो सब लड़कियों को होता है ना जेलेसी वाला, सो एट दी एंड चाहे प्रिंसेस हो चाहे कितनी भी वॉरियर हो, लेकिन वो जेलेसी वाली चीज़ जेलेसी और एग्जैक्टली उसको डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है। तो अलेक्जेंडर ने रॉक्सेन को सबके सामने डांस करने को कहा है और रॉक्सेन को लगता है कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल सी बात है, वो सबके सामने ऐसे क्यों डांस करेगी। और दिस सीन इज ऑल अबाउट कि ओलंपिया आकर उसको समझाती है और उसको बहुत मीठी सी धमकी ही दे रही है एक्चुअली, कि अगर तुमने ये चांस गवा दिया तो क्या पता कोई और ये चांस का फायदा उठा ले। सो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। वेल रोक्सेना, आपका नाराज होना तो लाजमी है, लेकिन रोक्सेना जरा ये तो बताइए कि इतने बड़े फैसले पर क्या आपने अलेक्जेंडर को समझाने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्योंकि शो है, हिस्टोरिकल शो, और अलेक्जेंडर एक ऐसा इंसान है जिससे पूरी दुनिया डरती थी, तो उसका और मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं जाकर उसे समझाऊं या ऐसे। अभी तक हम दोनों का जितना भी हुआ है उतना सिर्फ फेस टू फेस सीधी बात हुई है, तकरार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठ के मैं उसको कुछ समझा रही हूँ। और मैं भी अपना गुस्सा ऐसे ही बयां करती हूँ, आधा उसको ना बताकर आधा अपनी आंखों से ही बयां कर देती हूँ कि मैं कितना नाराज हूँ उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों बैठकर ऐसे पति पत्नी की तरह बात करेंगे फिर मैं उसे समझाऊंगी हाथ पे हाथ रख के, तो वैसा नहीं है क्योंकि ही इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओ डोंट टॉक अबाउट कलश, आई मिस दैट शो सो मच, इट्स लाइक द नियरेस्ट टू माई हार्ट, आई रियली मिस कलश। भाई रोक्सेना, आप इस अटायर में काफी खूबसूरत लग रही हैं, तो जरा अपने फैंस को इस लुक के बारे में भी बता दीजिए। आई रियली लाइक दिस लुक, ऑल्दो क्योंकि एक हिस्टोरिकल शो है और इतने चेंजेस नहीं होते, आई डोंट गेट टू चेंज अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, तो मैं सोचती हूँ अरे आज भी यही पहनना है, आज भी ऐसे ही बाल बनाने हैं, बट आई लाइक द लुक दैट दे हैव गिवन मी, और बहुत ही ब्राइट पिंक कलर है, सो इट्स नाइस एंड आई लाइक दिस हेडगियर। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर रच रहा है पोरस के खिलाफ साजिश, जहां एक तरफ उन्होंने पहले ही पौरव राष्ट्र का रसूल यानी कि सारा अनाज भी जला दिया है, और अब अलेक्जेंडर पोरस का नामो निशान मिटाने की कर रहा है प्लानिंग। अपने आप के चाणक्य से कहना कि सियासी खेल खेलना सिर्फ उसे ही नहीं आता जो दुनिया जीत कर आया है, वो ये सब खेल खेल कर आया है, और आज तोहफा जो तुम्हें मैंने भेजा है वो तो सिर्फ झलक है आने वाले तबाही की। अभी तो अलेक्जेंडर तुम्हें बहुत कुछ नजर करने वाला है पोरस। अब देखना होगा कि क्या रोक्सेना अलेक्जेंडर की ख्वाहिश को पूरा करेगी और क्या अलेक्जेंडर पोरस के खिलाफ अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा। वेल, जो भी होगा इसकी अपडेट यूमियोर टीवी आपको सबसे पहले देगा। उम्बरगांव से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।